हरे कृष्णा, आप लोगों के लिए एक और वीडियो। आप अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करें, अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करें, आपके साथ में क्या समस्या है, उसको वो कैसे दूर कर सकते हैं, हम उसका यहाँ पर सॉल्यूशन बताते हैं। हम आप लोगों के लिए अब ऐसी वीडियो लेकर आया करेंगे जिसमें हम पिगमेंटेशन के साथ साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है आपको ये वीडियोज़ अब वॉच करें ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो और आप उसके बारे में सॉल्यूशन करना शुरू करें ताकि आप पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकें। हम यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे और किस पेशेंट को किस तरीके से आराम मिला उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सब कुछ ऐसा नहीं कि आपको लिए सब कुछ एक जैसा ही है, बस आप ये कर लीजिए इससे आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हो सकता है कोलेजन नहीं है, किसी को हो सकता है कि फैटी लीवर है, किसी को हो सकता है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, किसी को हो सकता है कि शरीर के अंदर पित्त ज़्यादा हो, किसी को हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो। अलग अलग प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे और आप लोगों को ठीक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते सर। नमस्ते, मैंने लास्ट टाइम आपसे बात अगस्त में की थी। हाँ, आपका सर दर्द कैसा है? सर दर्द तो बहुत राहत है, बहुत ठीक है पहले से। और आपको चेहरे पर पसीना आया था गर्मियों में? गर्मी में तो मतलब कि पहले से भी आता था, वो तेल और वो नोज के पास और सिर्फ चीक पर मतलब कि उतना पसीना नहीं आता, लेकिन और बाकी एरिया में तो मतलब कि पसीना आता था ना। अभी भी मतलब अभी तो ठंड के मौसम में तो अभी तो नहीं ना आएगी। हेलो। और चेहरा तो मेरा पहले से बहुत मतलब काफ़ी बेटर हो गया, बहुत मतलब 100 में बोले तो 50-60 या 70 इतना तो हो ही गया है। हाँ, और लेकिन मेरे ये चीज़ है कि जैसे मेरा कमर का दर्द जो लेफ्ट साइड में जो है ना, तो वो दर्द मेरा मतलब कि पैर में भी दर्द करता है, वो अभी तक मतलब प्रॉपर गया नहीं है। कमर के लेफ्ट साइड का? कमर के लेफ्ट साइड यानी कि इनको शाइटिका पेन है, जिसमें आपकी शाइटिक नर्व दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में, जिसकी वजह से पेन पूरा लेफ्ट साइड में आता है या फिर राइट साइड में आता है, है ना। इस चीज़ का भी सॉल्यूशन बहुत आराम से पिगमेंटेशन के साथ साथ में इनका हो जाएगा। जब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तब इनका ये जो दर्द है ये भी बिल्कुल चला जाएगा हमेशा के लिए। वजन तो नहीं उठाती हैं? बाल्टी बाल्टी तो नहीं उठाती हैं? नहीं, बाल्टी तो नहीं उठाते हैं। वो अचानक ही दर्द हुआ था, जैसे उस समय हम मतलब कि कुछ डाइट फॉलो कर रहे थे और कसरत किए थे, और कसरत करके मैं किचन में थोड़ा सा काम करने गए थे बैठ के, जैसे ही अचानक उठे उसके बाद ही। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए जितनी आपके शरीर की कैपेसिटी है। आवश्यक नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर देख के या फिर यूट्यूब पर देख के एक्सरसाइज को फॉलो करें जो बाकी लोग एक्सरसाइज करते हैं। नहीं, आप अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए ना, है ना। अपने शरीर का पहले स्टेमिना बढ़ाइए, धीमे धीमे आप करेंगे, पहले स्लो कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको कह रहा हूँ, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। साइड में दर्द हुआ था, उसी समय से ही दर्द होता है। और अनुभव किए थे कि मतलब कि जब मुझे एसिडिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर दर्द मतलब बढ़ जाता है मेरा। और थोड़ा सा मतलब जैसे आप बोले हैं वॉकिंग करने, थोड़ा सा भी वॉकिंग करते हैं तो देखते हैं मेरा दर्द अनुभव होने लगता है। हाँ, और मेरा सर इधर से मेरा देखते हैं मतलब बीपी मतलब बराबर लो ही रहता है और सर में चक्कर आता है, और बाकी तो सब चीज़ मेरा ठीक है, यही दो प्रॉब्लम है। और वही कमर में जो अभी आज मेरा फास्टिंग है तो आज देखते हैं। देखिए, अब इन्होंने कहा कि इनका बीपी लो रहता है और इनको चक्कर आता है, कमज़ोरी रहती है इनको। अभी हमने इससे पहले वाला जो कमेंट लिया था पिछली वाली वीडियो में, उसमें एक पेशेंट ने ये बताया था कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। अब खुद सोचिए ना, यहाँ पर बीपी डाउन है, उधर इनका बीपी हाई है, तो क्या हम दोनों को एक जैसी दवाई देंगे? नहीं, इनके लिए दवाई अलग है जिनका हाई है, जिनका डाउन है उनके लिए दवाई अलग है। अब इनके शरीर के अंदर कारण अलग है पिगमेंटेशन के होने का, चलिए ढूंढते हैं क्या है। इतना दर्द नहीं किया है अक्सर, जो मूंगफली का जो बोले थे दूध, वो मूंगफली खाते मुझे एसिडिटी ज़्यादा आती है, तो वो मत लीजिए फिर आप। सभी के शरीर का नेचर अलग अलग होता है। इन्होंने कहा कि मूंगफली का जब ये दूध लेती हैं तो इनको एसिडिटी होती है। मैंने जब लगातार मूंगफली का दूध लिया था तो मेरा पूरा माथा भर गया था पिंपल्स से, जिसके निशान आज भी हैं। कम से कम 2 महीने लग जाएंगे इनको पूरी तरीके से नॉर्मल जाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ इन पर। अच्छा,
जो भी मतलब कि डाइट मतलब कि सलाद वगैरह खाते हैं तो मेरा मतलब पेट मतलब अच्छी हो जाता है, खराब हो जाता है ज्यादा, मतलब कि नहीं खाना चाहिए क्या अभी? जैसे सलाद खाते हैं ये ज़्यादा तो पेट में खराब हो जाता है, तो क्या सलाद नहीं खाना चाहिए? आप बताइए, क्या इनको सलाद छोड़ देना चाहिए या फिर उस चीज़ पर काम करना चाहिए कि पेट सलाद खाने के बाद में ख़राब क्यों होता है इनका, है ना? क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? हमें ये चीज़ ढूंढना है कि जब बाकी लोग सलाद खाते हैं तो उनके तो स्किन सुधर जाती है, स्किन पर निखार आ जाता है सलाद से, उनका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है, डाइजेशन उनका अच्छा हो जाता है, बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब ये सलाद लेती हैं इनके साथ में समस्या हो जाती है ना? तो हमें इनकी वो समस्या को दूर करना है कि हो क्यों रही है। सलाद से प्रॉब्लम नहीं है, सलाद खाएं, लेकिन पहले वो वाली प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है इनको। नहीं फिर वो मत खाइए आप, अगर वो इतना परेशानी हो रही है तो आप जैसे पर लीवर पे ट्रीटमेंट शुरू कर मैंने लीजिए। जैसे मैंने कहा कि फिलहाल अभी मत खाइए, बट लीवर का टॉनिक शुरू कर लीजिए। लीवर का टॉनिक शुरू करने से क्या होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, और हो सकता है कि जब इनका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाए तो इनको सलाद डाइजेशन होना शुरू हो जाए, है ना? कई बार ऐसा होता है कि कई बार खीरा खाने के बाद में लोगों को गैस बनती है और डकारें आती रहती हैं लगातार। और मतलब कि वो लीवर का टॉनिक, ऐसे मैं एक बार जोंडीला सीरप जो था वो था मेरे पास, तो उसको हम लेते हैं। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यही दो वो जो है ना, मतलब कि बराबर जो है, कभी कभी चक्कर आने जो लगता है वही मतलब कि अथी होने लगता है, और कमर का वो लेफ्ट साइड का, और बाकी तो मेरा जब से। हाँ एक सब चीज़ और, आप जब मतलब कि बोले थे कि जर्सी गाय का घी नहीं लगाना चाहिए, तो मेरे पास जर्सी गाय का ही था, घी था, तो हम वही लगा रहे थे, नहीं उतना लगा सकते हैं इफेक्टिव वो। नहीं लगा रहे थे, तो उतना इफेक्टिव मतलब कि हमको उतना रिजल्ट नहीं मिला। और जब से हम गाय का शुद्ध देसी गाय का मतलब देसी गाय का घी लगाना, हमको लगता है 2 महीना से लगा रहे हैं, तो मुझे मतलब उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। हाँ, तो यहाँ पर दो बातें मुख्य हैं। मैंने इनको कहा कि आप लीवर का टॉनिक शुरू कीजिए, इन्होंने कहा कि लीवर का टॉनिक मैं पीती हूँ बट दिन में 3 बार पीती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो लीवर का टॉनिक आपको दिन में 6 बार पीना होता है। एक बच्चा था मेरे पास में आया था, उसको बचपन से ही दवाई खा रहा था और अभी वो 8-9 साल का बच्चा है और उसको लीवर में पानी पड़ना शुरू हो गया था, और डॉक्टर ने उसको कहा था यहाँ के कि आप इसको बच्चे को एम्स ले जाइए। मेरे पास में उसको लेके आए, मैंने बोला कोई दवाई खिलाने की इसको आवश्यकता नहीं है, कहीं आप यहाँ का इलाज कीजिए। मैंने लीवर का टॉनिक दिया और उसको मैंने बोला कि 1-1 घंटे के बाद पीना है इनको लीवर का टॉनिक, ठीक है? और कम से कम 1 महीने तक ही कहानी चली, जो हमारा होम्योपैथी का लीवर का टॉनिक होता है, मैंने उनको 1-1 घंटे बाद खाने पीने के लिए दिया, यानी कि दिन में कम से कम 10 या 12 बार लीवर का टॉनिक उनको पीने के लिए दिया बच्चा, और बच्चा 3 महीने के अंदर पूरी तरह से हेल्दी हो गया था। वरना आप जानते हैं कि जिसको लीवर में पानी पड़ना शुरू हो जाए, एसआइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको कितनी समस्याएं होती हैं, है ना? मैंने उनको बाकी मेडिसिन दी, मैंने उनको ये भी कहा कि बुखार आए बच्चे को दवाई मत देना, बुखार अगर हल्का आता है बर्दाश्त करना, 3 दिन 4 दिन 6 दिन पूरा हफ्ता बर्दाश्त करना। ऐसा हुआ भी, बच्चे को लगातार 10 दिन बुखार आया, बट ना तो मैंने कोई दवाई दी ना ही उन लोगों ने कोई दवाई ली। ओके, बुखार अपने आप वो चला गया और उसके बाद से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। क्या हुआ था, टाइफाइड रहता था बच्चे को लगातार, एलोपैथी इंजेक्शन दवाइयाँ बोतल चलती थी, ड्रिप्स चलती थी, अल्टीमेटली क्या हुआ, टाइफाइड तो गया नहीं, एक बीमारी और पैदा हो गई। जब मैंने बच्चों को ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो मैंने केवल उसके शरीर की शक्ति का उपयोग किया बीमारी को ठीक करने के लिए। जब उसके शरीर के अंदर शक्ति जागृत हुई तो छिपी हुई जो बीमारी थी टाइफाइड, उसको शरीर ने निकाल के बाहर कर दिया। शरीर को कैसे बाहर निकालेगा, बुखार ही आएगा उसको, है ना? तो जब उसको बुखार आना शुरू हुआ तो उसको डे बाय डे उसकी हेल्थ अच्छी होती चली गई इस तरीके से। तो जितने भी लोग लीवर का टॉनिक पी रहे हैं और उनका इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कम से कम दिन में 6 बार लें, 8 बार लें, बट वो लें। तो वही बोले कि मेरा मतलब रिजल्ट अच्छा मिला हमको उस। दूसरा बात इन्होंने क्या कहा कि इनके पास में जर्सी गाय थी, जर्सी गाय का ये घी लगा रही थी, और जब जर्सी गाय का घी इन्होंने लगभग शायद 2 महीने लगाया है, 2 महीने लगाने के बाद में इनको उतना रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद में इनको मिला देसी गाय का घी, है ना? हमारे पास में उपलब्ध हो गया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया 50 ग्राम इसमें घी है, 250 ग्राम के डिब्बे में 50 ग्राम घी है। अगर मैं आप लोगों को भेजूंगा तो आप लोग ये बोलेंगे डॉक्टर साहब शीशी तो इतनी बड़ी है, घी आपने इतना थोड़ा सा दिया है, देखिए इसमें इतना घी है, यहाँ पे लिखा हुआ देसी गाय का शुद्ध देसी घी, केवल इतना घी है इसमें जितनी ये लाइन है,
देखिए जो सबसे नीचे वाली लाइन दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की, ये वाली केवल इसमें इतना घी है, इतना ऊपर को पूरा डिब्बा ये खाली है। मैं डिब्बा चेक नहीं कर पाया, वरना मैं ऐसे छोटा और पतला डिब्बा बनवाता तो कम से कम शीशी भरी रहती वो। तो देसी गाय का देसी घी बहुत अमेजिंग है, बहुत इफेक्टिव है। देसी इन्होंने भी ये बात कही है मेरे से। गाय के घी से हाँ मतलब अच्छा मिला ठीक है, अच्छी बात है। तो उससे तो कितना कितना प्रतिशत आपको राम मिला? मतलब उसी से हमको मतलब कि 100 में बोले तो 50 हो गया मेरा 2 महीना के अंदर में। दो और महीने पहले के से तो अंदर मेरा मतलब थोड़ा बहुत था फायदा, वो जो 50%। सब बताए थे तो वो सब पीते थे गर्मी के दिन में, लेकिन अभी विंटर में मतलब ये पालक धनिया मेथी और थोड़ा बहुत बोलते हैं चने का पत्ता, कभी तुलसी का, कभी सदाबहार का, मेरे मतलब कि थोड़ा अति खेत है तो उसी में से हम लाते हैं डेली फ्रेश, वही पीते हैं। तो मतलब सुबह सबसे पहले मैं सुबह मेथी दाना का पानी आपने बताया है वही पीती हूँ सुबह उठ के, उसके बाद फिर 1-2 घंटा के बाद फिर वो पालक वाला जूस, पालक धनिया मेथी, और उसके बाद फिर जो भी होता है मतलब फल वल रहता है फल, और उसके बाद फिर रोटी सब्जी। तो इसी हाँ अच्छा जाओ तुम आ रहे हैं वो बाबू था इसी। तो और तो मेरा मतलब ठीक है वही, अभी तो प्रॉपर मतलब कि कहीं कहीं से फट गया है, बहुत लाइट बहुत हो गया है मेरा मतलब चलिए दूर ठीक है, से। अच्छी बात है। हाँ उसके लिए थैंक यू सर, बहुत मतलब कि ट्रीटमेंट तो हम कहीं नहीं लिए थे, लेकिन मतलब कि नुस्खा घर में ही करते थे, क्रीम व्रीम पहले हम लगाए थे लेकिन 3 से प्रॉपर चली भी जाती थी, लेकिन उसको छोड़ने के बाद फिर वापस आ जाती थी जैसे आप वीडियो में बताते हैं। चली जाती थी क्रीम लगाने के बाद में, 100% चली जाती थी, बट उसको छोड़ने के बाद में दोबारा आ जाती थी। ठीक है, और आप मैंने एक आपको जो भी चीज बता रहा हूँ वो करते रहिए। ओके हाँ फिर लेकिन मेरा ये सर मेरा वो सर का दर्द वो जो बोलते हैं कभी कभी मतलब मेरा सर का दर्द जो है ना, जैसे आज हम फास्टिंग में थे तो सर मतलब कि हल्का हल्का कभी साइड में बुझाता था, लेकिन उतना मतलब जैसे पेन होता है नॉर्मली था हल्का फुल्का, और उतना पहले मतलब जैसे होता है कि टनकने लगता है मतलब साइड का वो नहीं। अब पहले इनको समस्या थी कि इनको सर में दर्द टनकता था, टक 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 इस तरीके से टनकना ये बोल रही हैं, तो अब उतना पेन नहीं है, यानी कि अब इनका थोड़ा सा पित्त भी शांत हुआ है। अभी इनको होता है प्रॉब्लम अगर ये भूखे रहें, फास्ट रखें, क्योंकि ऑलरेडी इनका बीपी डाउन है। ओके, तो इस वजह से इनको दर्द होता है अभी सर में, बट उतना नहीं होता जितना इनको पहले होता था। चेहरा इनका पहले से साफ हो गया है, 50% ही अपने मुँह से कह रहे हैं कि वो साफ हो गया है। नहीं होता है वो। हाँ वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक होम्योपैथिक का डॉक्टर से दिखाया थे तो बोले थे ये कभी जाएगा ही नहीं, इसका जड़ का इलाज ही नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, चलिए वो ठीक हो बहुत बहुत जाएगा। धन्यवाद। और जो मैंने आपको बता रखे चाहिए थे वो कॉलो कीजिए, और लीवर का टॉनिक आप जरूर शुरू कर लीजिए। ठीक है, और तो वो मूंगफली का दूध तो नहीं पिएंगे जैसे मतलब काजू बादाम वो खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हो हल्का बिल्कुल फुल्का? खा सकते हैं। ठीक है चलिए, ये 2-3 मिनट का कमेंट और है, जहाँ तक तो मुझे लगता है कि मैंने इस कमेंट में सारी की सारी मुख्य मुख्य बातें ले ली हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपको फिर से किसी अन्य वीडियो में मिलूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ध्यान रखिए, आगे एक वीडियो बहुत अमेजिंग आने वाली है, कारण और उसका सॉल्यूशन, जिसमें आपका कारण हो सकता है पिगमेंटेशन का, और उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिल सकता है। और सॉल्यूशन आपको इस तरह से मिलेगा कि आपका पिगमेंटेशन कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।